टोंक के पिपलू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही। पिपलू के वार्ड नंबर 11 में पेयजल सप्लाई में आए पक्षियों के पंख, जगह जगह पेयजल लाइन में लीकेज से दूषित हो रहा पानी। तो विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस पूरे मामले की अनदेखी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को इस पूरे मामले को लेकर अवगत करा दिया है। 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। टोंक के पिपलू से ये खबर, जहां पर ग्रामीणों ने पानी में पक्षियों के पंख आने से लेकर जो कचरा पानी में आया इसे लेकर शिकायत की है, लेकिन प्रशासन का बिल्कुल ध्यान इस ओर नहीं। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही है ये। पिपलू के वार्ड नंबर 11 का ये मामला है। जगह जगह पर पेयजल की लाइनों में लीकेज के चलते पानी दूषित हो रहा है। हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, पेयजल में इस तरीके की गंदगी आने से जाहिर तौर पर लोगों को बहुत परेशानियां हो रही होंगी, इस पूरे मामले पर क्या रुख है जलदाय विभाग का? जी, बताना चाहूंगा नंदनी की वार्ड नंबर 11 का मामला है, जहां पर जगह जगह पाइपलाइन लीकेज हो गई है, जिससे पानी जो गंदा पानी जो पाइपलाइन लीकेज में होने के कारण वहां से जैसे ही बॉल खोलते हैं तो पूरा गंदा पानी नलों द्वारा घर में पहुंच रहा है, जो दूषित है उसमें पशु पक्षियों के जो पंख है वो, और गंदा पानी और जो जो कीचड़ होता है वो घरों के नलों में पहुंच रहा है, जिससे पीने की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो अब ग्रामीण इसको लेकर आंदोलन के मोड में है। भूपेंद्र, लगातार पानी की पाइपलाइन में लीकेज की खबरों के बीच कल ही से दुरुस्त करने की खबर आई है। बीसलपुर डैम से जो पाइपलाइन निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की शिकायत एक बार फिर से आना, ये कहीं ना कहीं जलदाय विभाग की इस पूरी कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल खड़े करता है। जी नंदनी, बताना चाहूंगा कि बिसलपुर पाइपलाइन को अपन लेके देखे तो उसी में भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी, तो इसी में भी ग्रामीणों द्वारा पहले भी इस मामले को अवगत कराने के बाद भी ये इस तरह की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। अब ग्रामीणों ने 3 दिन तक अगर इसका समाधान नहीं होता है तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चलिए, शुक्रिया भूपेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार पानी की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी में गंदगी हो रही है और लोगों के घर में जो पीने का पानी पहुंच रहा है टोंक के पिपलू में वार्ड नंबर 11 में, उसमें पक्षियों के पंख से लेकर हर तरह की गंदगी है, जिसके चलते लोगों ने जलदाय विभाग में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही। टोंक के पिपलू में वार्ड नंबर 11 में पेयजल सप्लाई में पक्षियों के पंख, जगह जगह पेयजल लाइन में लीकेज के चलते पानी गंदा हो रहा है और लोगों के घर में जो पीने का पानी सप्लाई हो रहा है उसमें गंदगी होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं।